Hare 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 Rama Hare Hare Rama Rama Hare Hare
गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिय भक्त्या विहीनापराध लक्ष्य कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्द नमस्ते चरणारविन्दं जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ ऋजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ हे छय गोसाई करि चरण वंदन जहाहि विघ्न नाथ अभीष्ट पुरन श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे मैं सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोदर सदस्य श्री श्रीमद भक्ति स्वरूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज को चरण कमल में
अनंत कोटि साष्टांग धन्यवाद प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्मा नित्य लीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोदर सतर श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी को चरण सरोजनी श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता पिता सभी को मैं यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। गत कल हम लोग श्रवण कर रहे थे कैसे माता पार्वती शंकर जी से प्रश्न करती हैं, भगवान तो अजन्मा है, इसलिए जिसको कृष्ण गीता में कहते हैं अजो अपिसन अभयात्मा, बोले हे अर्जुन मैं अजय हूँ, मेरा जन्म नहीं है, लेकिन अजय होते हुए भी मैं जग संसार में जन्म लेता हूँ। बोले क्यों लेता हूँ? बोले अनुग्रहाय भक्ता नाम करोमि विविध क्रिया, कद अपना भक्तों को ऊपर में प्रभु कृपा करने के लिए जन्म लेकर के प्रभु सुंदर सुंदर लीला करते हैं। इसलिए भगवान के जितने सारे अवतार में कद विशेष करके उनका विशेष करके दो अवतार हुए हैं जो सबसे बढ़िया सबसे प्यारा और सबसे मधुर है, कद एक प्रभु राम और एक प्रभु श्याम है, हाँ? इसलिए ये दोनों का जो लीला है बड़े मधुर मधुर लीला। रूप गोस्वामी ने बताए ये जो जो अवतार है ये परावतार है, श्रेष्ठ अवतार है प्रभु के। इसलिए शंकर जी कहते पार्वती इसलिए भगवान जगत में जन्म लिया अपना लीला करके मधुर मधुर लीला करके हम लोगों को जगत में शिक्षा देने के लिए प्रभु ने लीला दी है। इसलिए जो व्यक्ति जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं जह व्यतीत त्वतः, कृष्ण कहते अर्जुन मेरा जो जन्म और कर्म इसको अगर सही सही कोई समझ जाए, प्रत्यक्त्वा देहं पुनर्जन्मं नैव मामेति स्वर्गं, तो वह व्यक्ति शरीर त्याग को बाद में फिर संसार संसार में फिर दोबारा जन्म नहीं लेता है, वो चिरकाल के लिए मेरे धाम में आ जाता है। इसलिए शंकर जी माता पार्वती को उसके बहुत सारे कारण बताए, कल हम लोगों ने विशेष करके तीन कारण सुने थे, लेकिन उसका अंदर में शंकर जी कहते पार्वती और भी कुछ कारण है। बोले प्रभु क्या कारण है? बोले सुन मुनि कथा पुनीता पुराणी, सुनि मुनि कथा पुनीता पुराणी, जो गिरिजा प्रतिसाधानी, जो गिरिजा विदिता एक कई कई देशो सत्य तो कहाँ बसई नरेशो, धर्म मधुरा धर तेज प्रताप शंकर जी कहते पार्वती एक बहुत बड़ा पराक्रमी कई कई देश के राजा जिसका नाम था सत्यकेतु उसका नाम है, कहते उनके बड़ी धार्मिक परायण राजा और उनको दो संतान और जो एक जो मंत्री है बड़े बुद्धिमान बड़े बलवान है। बोले उनको पुत्र कौन है? बोले प्रताप भानु और परिमर्दन। बोले कहते उनका मंत्री का नाम? बोले मंत्री का नाम धर्मरुचि। कहते जो दोनों जो पुत्र बड़े बलवान और बड़े बुद्धिमान और बड़े भक्तिमान हैं, ये दोनों ने धीरे 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 एक देश को दूसरे देश को अपना युद्ध करते करते पूरा देश को अपना अधीन कर लिया। एक दिन ये राजा एक दिन जंगल में
मृगया खेलने के लिए गया, चलते चलते बहुत दूर चला गया, हठात उसने एक जंगली सुअर को देखा। और जो जंगली सुअर, वो सुअर नहीं था, एक राक्षस था। अभी उसको भगाते हुए बहुत दूर तक तो उसने भगा करके ले गया। राजा तो रास्ता भूल गया, अभी मैं कहाँ आ गया, अभी बड़ी प्यास, भूख प्यास से तड़पड़ा रहा है। घूमते घूमते देखा एक ऋषि को, लेकिन वो ऋषि नहीं था, ये राजा। जब उसने एक दूसरे देश के ऊपर में आक्रमण करता था, वो एक राजा था जिसका राज्य को इनने छीन लिया था। वो राजा दुखी होकर के राज्य में वापस नहीं आया, वो साधु बन करके भजन कर रहा है। अभी उन्होंने ये राजा को देख कर तपस्या किया, यही राजा जिसने मेरे राज्य को छीन लिया था। उसने कपट वेश में मीठी मीठी बोली बोल करके पूरा ये राजा को अपना अधीन बना लिया। अभी ये राजा भी पहचान नहीं पाया। इतने में ये राजा ने कहा, आप मेरे को कृपा कीजिए, मेरे को ऐसे वरदान दीजिए जैसे मेरे को कोई युद्ध में हरा नहीं सके, मैं अजर अमर बन जाऊं, एक कल्प तक राज्य करूं। वो जो दुष्ट मुनि था, ऋषि मुनि, बोले चिंता मत करो, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन एक काम करना पड़ेगा। बोले बता दो। बोले अगर ब्राह्मणों का अगर कृपा हो जाए फिर तो सब कुछ तुम सिद्ध कर सकते हो। तुम रोजाना 1,00,000 ब्राह्मण को नौता दे करके उनका परिवार को साथ में भोजन कराओ, और जो भोजन तुम्हारा जो धर्म केतु, हाँ, तुम्हारा जो पूरे हित है, कहते मैं स्वयं तुम्हारा पुण्यत का रूप बन जाऊंगा, मैं स्वयं भोजन बनाऊंगा, ये माया को द्वारा मैं स्वयं बन जाऊं। राजा तो समझ नहीं पाया, उसने आकर के रसोई बनाया, लेकिन रसोई में जो ब्राह्मण का मांस को उसने मिला दिया। अभी उन्होंने लाख लाख ब्राह्मण को निमंत्रण दिया, जब सारे ब्राह्मण बैठ गए, अभी वो भोजन परोसा, ब्राह्मण लोग खाने जा रहे थे, इतने में आकाशवाणी ही, बोले सावधान, ये भोजन में ब्राह्मण का मांस मिला हुआ है। ब्राह्मण लोगों ने देखा, उसी समय ब्राह्मण साधारण थे नहीं, ये दुष्ट राजा हमारा धर्म नष्ट करने के लिए ब्राह्मण और गोमांस को मिलाया। ब्राह्मण लोग तो क्रोधित होकर के अभिशाप दिया, बोले जा, तू वंश समेत ध्वंस हो जाओगी, और तुमके सबके सब दैत्य बन जाओ, राक्षस बन जाओ। जब अभिशाप दिया, अभी उनका अभिशाप से फिर उन्होंने माफी मांगी ऋषि मुनियों को, बोले हमारा अभिशाप तो बर्बाद नहीं जाएगा, लेकिन इतना कर सकते हैं, बनोगे तो राक्षस लेकिन मरोगे प्रभु को हाथ में, फिर तुमको मुक्ति मिल जाएगा, इतने में हम कर सकते हैं। फिर अभी जो दो बेटे थे वही रावण कुंभकर्ण बने, और उनका जो धर्मरुचि मंत्री था वही बना विभीषण। अभी ये तीनों शंकर जी का पार्वती यही सबके सब बन करके आए। कभी ये भगवान आने का शंकर जी कहते, ये चौथा कारण है, बोले पंचमा कारण किया है जगत में आने का। तब शंकर जी पंचमा कारण कह रहे हैं, बोले सायं भव मानो औरो सतरो पा, सायं भव मानो औरो सतरो पा, जीनाते भई नरसी अनुपा, जीनते भई नरसी अनुपा, तम पतिभारम आचरणनीता, तम पतिभारम आचरणनीता, श्रुति जिनका सायं भव
शंकर जी कहते हैं इसका जो पंचमा कारण भगवान आने का, कहते श्री मनु महाराज का नाम सुने होंगे। जब सृष्टि से पहले सर्वप्रथम भगवान ब्रह्मा जी को भगवान आदेश दिया, ये संसार का सृष्टि बढ़ा। ब्रह्मा जी सर्वप्रथम अपना मन से उन्होंने चतुर्सन को उन्होंने सृष्टि किया। बोले भगवान का आदेश संसार का सृष्टि बढ़ा। बोले भैया ये घर गृहस्थी बड़ा दुख में है, हम ये घर गृहस्थी में प्रवेश करना नहीं चाहते। इतने में हाँ ये सर्वप्रथम इस सृष्टि का शिक्षा देते हैं। कहते भगवान हमें जो मानव शरीर दिया है, कहते उसमें चार वर्ण और चार आश्रम है, हाँ? उसमें चार जो आश्रम, पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ, चौथा सन्यासी। कहते मानव जन्म का जो मूल उद्देश्य है भजन है। देखो उसमें जो तीन जो आश्रम है वो भजन करने का आश्रम है। केवल एक ही आश्रम, केवल गृहस्थ आश्रम, केवल एक ही आश्रम है, हाँ? इसलिए पहले पहले जब के सब गुरुकुल में जाते थे 25 साल तक, जैसे अभी हम स्कूल कॉलेज में पढ़ाई करने जाते हैं, सबके कंपल्सरी 25 साल तक गुरु गृह में रहते थे। उसको बाद में गुरुजी प्रश्न करते थे, बेटा अभी बताओ क्या करोगे, अभी घर गृहस्थ में जाओगे ना भजन करोगे, अभी वेद वेदांत भागवत सुन करके जिसको मन में ये चीज विश्वास हो गया, समझ गया ये जीवन भजन के लिए, फिर वो घर नहीं वापस जाता था। बोले नहीं गुरुदेव, आपका चरण में रहते हुए भजन करते बिताऊंगा। लेकिन जिनका ज्यादा ही संसार में आसक्ति, गुरुजी निर्देश देते थे घर में जाओ, जैसे तैसे लड़की नहीं, अपना वर्ण के अनुरूप, हाँ, स्त्री को देख करके शादी करना जो तुमको भजन में मदद करे, हाँ? ऐसे तैसे नहीं शादी किया संसार चौपट, भजन भजन से कोई मति नहीं, ऐसे नहीं देख करके, इसलिए पत्नी का नाम पत्नी जो भजन में तुमको मदद करे, दोनों मिल करके गुरु वैष्णव और ठाकुर जी की दोनों मिल करके सेवा करना। लेकिन कितना दिन तक, बोले ज्यादा दिन नहीं, क्योंकि 100 साल में 25 साल ब्रह्मचर्य, 25 साल गृहस्थ, 25 साल वानप्रस्थ, 25 साल सन्यासी, केवल 25 साल, ज्यादा नहीं। इसलिए हमारी भारतीय में जो 1, 2, 3, 4 जो अंक है उसमें बहुत महत्व है। इसलिए 50 ऊर्ध्व वनम व्रजेत, पहले 50 के बाद में वन में जानी चाहिए, घर में नहीं, शास्त्र मना किया। इसलिए 50 के बाद में जो संख्या आता है एका वन, वन शब्द आया है, अभी घर में नहीं वृंदावन में जाओ। कहाँ जाओ, मतलब वृंदावन में, हाँ? लेकिन भगवान के जब वृंदावन धाम है, कीर्तन गायत्र वाले मन चल रही वृंदावन धाम, इसलिए हाँ, इसलिए यहाँ पर बताए कहाँ जाओ, बोले वृंदावन में जाओ। इसलिए एका वन, बा वन ये वन शब्द है, चौ वन ये वन शब्द आता है, मतलब घर में नहीं वृंदावन में। उसको बाद में फिर क्या आता है, अगर भजन घर में नहीं जाएगी, बोले 60, 61, 62, इसका मतलब क्या, अगर भजन नहीं करेगा तो सठिया बन जाएगा, सठिया समझते हो, फिर तो भजन में मन लगना बहुत कठिन है उसी उम्र में, और भजन में मन नहीं लगता है, हाँ, तभी मन लगेगा अगर बचपन से अगर हम आदत डाले होंगे, भक्ति का आदत डाले होंगे, तो फिर उसी उम्र में हमको भक्ति में मन लगेगा। अगर कोई बोलेगा अरे बचपन से क्या भजन करेंगे, बुढ़ापा में भजन करेंगे, प्रहलाद महाराज कहते नहीं, बोले कौमार आचार्य थे प्राज्ञम, जो बुद्धिमान है वो 5 साल से भक्ति करना प्रारंभ करते हैं, जो चीज बचपन से नहीं होगा वो बुढ़ापा में कभी हो ही नहीं सकता है। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते बचपन से ये भजन की आदत डालनी चाहिए। हमारे उड़िया में कहावत है, जा ना हो बाल्य काले ता ना है वो काले काले, इसका मतलब है जो बचपन में जो चीज नहीं हुआ वो कभी आगे हो ही नहीं सकता है। इसलिए बच्चों को जो बात सुनाओ वो झट क्याच कर लेते हैं, जैसे मिट्टी जब कच्चा हो आप उसमें जो कुछ बनाना चाहो बन जाएगा, मिट्टी जब पक जाए कोई चीज फिर बनेगा,
एक पौधा एक जगह से उठाकर दूसरे जगह में लगाओ, फल जम जाएगी। लेकिन पेड़ जब बड़ा हो जाए, जब ढेर तो लग फिर जम नहीं सकती। बांस जब कच्चा हो, जिधर टेढ़ा करो उधर टेढ़ा हो जाएगा, पक जाए फिर बांस पके, फिर टेढ़ा नहीं हो टूट जाए लेकिन वो टेढ़ा नहीं होगा। फूल जब खिला हुआ हो उसको, हाँ, जब हम ठाकुर के चरण में हम उसको लगा सकते हैं, जब मुरझा जाए सूख जाए वो ठाकुर के सेवा के लायक नहीं रह जाएगा। इसलिए हर चीज हम बचपन से करते हैं, हाँ? इसलिए जो भक्ति है, इसलिए ये बचपन से, इसलिए 25 साल तक ब्रह्मचर्य, उसके बाद में गृहस्थ भी वो भजन के लिए, उसके बाद में फिर वानप्रस्थ, हाँ, वो भी भजन के लिए, और लास्ट में जो 25 साल वो सन्यासी, वो सबके सब जितने हैं, वो सबके सब जो आश्रम है, मूल उद्देश्य है ये जीवन प्रभु की भक्ति, और जीवन का कोई उद्देश्य नहीं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, आए थे हरि भजन को और न लगे कपास, प्रभु से कसम खा करके आए, प्रभु हम भजन करेंगे। इसलिए कहां जाकर के बोले, वृंदावन में जाकर भजन कर। हाँ, अगर कोई बोले भैया कहां वृंदावन में जाएंगे रहेंगे, हम तो हलान में जन्म लिए कहां जा सकते हैं। हाँ, कम से कम वृंदावन मत जाओ, लेकिन अपना घर का परिवेश ऐसे बनाओ जैसे वृंदावन का परिवेश हो, दोनों मिल करके, हाँ, फिर ठाकुर जी गुरु वैष्णव की सेवा भजन पूजा में कम से कम अपना घर को स्वरूप वृंदावन का स्वरूप दे करके घर में भगवान की भक्ति साधन भजन करनी चाहिए। एक भजन सुन लो, हम वृंदावन में जाकर क्या करेंगे, वृंदावन में वो दिव्य धाम है, भगवान का वृंदा धाम है, वहाँ के सबके सब से राधा रानी का नाम लेते हैं, सबके सब कोयल तोते सबके सब भगवान भक्ति में लगे हैं, लगे हैं। वृंदावन धाम को मर में ना जाने को, जहाँ डार डार और पात पात पे श्री राधे राधे हो, मन चल रे वृंदावन धाम, श्री राधे राधे गाई, मन चल रे वृंदावन धाम, श्री राधे राधे गाई, मन चल रे वृंदावन धाम, श्री राधे राधे गाई, मन चल रे वृंदावन धाम, श्री राधे 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 चरणों में लोटत श्याम, श्री राधे राधे गाएंगे, राधे चरणों में लोटत श्याम, श्री राधे राधे गाएंगे, राधे चरणों में लोटत श्याम, श्री राधे राधे गाएंगे, राधे चरणों में लोटत श्याम, श्री राधे राधे गाएंगे, मन चल रे वृंदावन राधे राधे गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, राधे राधे गाएंगे।
किनारा वृंदावन में जमुना किनारा ने
निर्मल शीतल बहती है धारा, निर्मल शीतल बहती है धारा, निर्मल शीतल बहती है धारा, निर्मल शीतल बहती है धारा। वहाँ गोता वहाँ गोता लगाए शुभ का, महाराज को सृष्टि किया और उनको पांच संतान हुए, दो बेटे और तीन बेटियां। दो बेटे में उत्थानपाद और प्रियव्रत और दो तीन बेटी में आकुति, देहूति और प्रसूति। जब उन्होंने अपना बच्चों को बड़े बना दिया
बोले और नहीं, बच्चे बड़े हो गए, हमको फिर जान बुझ करके संसार में टांग अड़ा करके नहीं रहनी चाहिए। बच्चे बड़े हो गए, होनहार हो गए, अभी इसको छोड़ो, छोड़ कर क्या करो, भगवान की भक्ति में लग जाओ, भजन में लग जाओ। इसलिए कथ श्री मनु और शतरूपा उन्होंने संसार को त्याग दिया, त्याग दे करके उन्होंने भगवान के भजन के लिए गए। कद उन्होंने 6000 साल तक तो केवल पत्ते पत्ते खा करके भजन किया, 7000 साल केवल पानी पी करके, उसको बाद में उसको भी त्याग दे दिया, शरीर केवल हड्डी हड्डी रह गया, लेकिन तब भी भगवत भजन में इतने मस्त थे, उनका शरीर का कोई हुदहुद नहीं था। भगवान प्रसन्न होकर के प्रभु प्रकट हुए और दर्शन दिए, बोले वर मांगो। तो मनु महाराज ने कहा, प्रभु अगर वर देना चाहते हो आप जैसे, मुझे एक लाला चाहिए। बोले मेरे जैसे, मैं तो असमर्थ तत्व हूँ, इसलिए नतः समस्याभ्य अधिकस्य दृश्यते। वेद में बताया भगवान से बड़े की बात छोड़ दो, भगवान के बराबर भी जगत में कोई नहीं, मैं असमर्थ हो, न सम न ऊर्ध, बड़ा और बराबर जगत में मेरे कोई नहीं, मैं तो केवल मैं जैसे हूँ। बोले ठीक है, कोई बात नहीं, मैं स्वयं तुम्हारा बेटा बन करके आ जाऊंगा। शतरूप को बोले तुम क्या चाहते हो? बोले प्रभु मेरे पति तो आपको चाह लिया, मैं चाहता हूँ आपके जो लक्ष्मी, ये मेरे बेटे की बेटे के बहू बन करके आ जाए, इसलिए एक बेटा बन जाए और एक बेटे की बहू बन जाए, मेरे को ये आशीर्वाद दो। बोले ठीक है, हम दोनों पति पत्नी, हम स्वयं तुम्हारा बेटा और हम बेटी बन करके आ जाएंगे। अभी ये मनु शतरूपा ने ये दशरथ महाराज और श्री कौशल्या बन करके आए, और भगवान स्वयं राम और सीता बन करके, भगवान स्वयं इनकी बेटा और पुत्रवती बन करके आए। बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की। कहते शंकर जी, कहते पार्वती ये भी एक कारण है जगत में प्रभु आने का, और एक कारण है, आप लोगों को पता है दशरथ महाराज का कोई संतान नहीं था, वो मृगया खेलने गए थे, और इधर श्रवण कुमार ने अपना अंधे पिता माता को लेकर के भ्रमण कर रहे थे। पिता माता को बड़े जोर से प्यास लगा, बोले बेटा कहीं से पानी भर करके ले आओ। अभी श्रवण कुमार पानी भर रहा था कलसी में, भर्ती करते समय उसमें गड़बड़ गड़बड़ शब्द हो रहा था, इतने में दशरथ महाराज ने सोचा ये कोई हिरण पानी पी रहा है, और ऐसे बाण था जिसका नाम शब्द भेदी बाण कहते हैं, केवल शब्दों को निशान करके वो बाण मारो काम करेगा। उन्होंने चलाया उन्होंने बाण, जब बाण चलाया उतना था श्रवण कुमार, अभी श्रवण कुमार का शरीर में लगा, बड़े जोर से रोने का आवाज आया, ये क्या हो गया, कोई इंसान जाकर के देखा, एक ऋषि बालक ब्राह्मण बालक चरण में गिर पड़े, माफी मांगे। इतने में बोले मेरे पिता माता बड़े प्यास में बैठे हुए, जाओ आप जल्दी मेरे पिता माता को पानी पिलाओ, ये तो यहीं पर शरीर छोड़ दिया। जब पानी लेकर के गए, इतने में श्रवण कुमार का पिता माता भी दशरथ महाराज को अभिशाप दिया, मैं जैसे अपना पुत्र विरह में तड़फड़ाते हुए ये प्राण छोड़ रहा हूँ, आप भी एक दिन अपना पुत्र विरह में तड़फड़ाते हुए प्राण छोड़ रहे। दशरथ महाराज तो दुखी भी हुए और वो खुशी भी हुए, बोले क्यों? बोले अभी तो मेरा संतान है ही नहीं, उन्होंने अभिशाप दिया पुत्र विरह में प्राण छोड़ रहा, कोई संतान तो है ही नहीं, भले ही पुत्र विरह में तड़फड़ाते क्यों नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर ऋषि की कृपा हो जाए, घर में अगर संतान ना हो जाए, तो इससे बड़ा आनंद का विषय कोई नहीं, इसलिए मेरे घर में संतान हो। कहते भी एक कारण है, इसलिए कल हम लोग ने श्रवण कर रहे थे भगवान कैसे चौरु माध्यम से, खीर माध्यम से, जब दशरथ महाराज ने बस
श्री वशिष्ठ के द्वारा उन्होंने यज्ञ करवाए, ऋषि सिंह मुनि के द्वारा कैसे भगवान कैसे ये कौशल्या कई कई सुमित्रा और श्री दशरथ महाराज और उसमें कैसे ये आए हैं। अभी यहाँ पर श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं भगवान कौन सा तिथि में आए हैं, बोले भगवान नवमी तिथि में आए हैं। अभी प्रश्न है भगवान ये नवमी तिथि में क्यों आते हैं, बोले नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता। शुक्ल पक्ष अभी गीत हरि वेदा, शुक्ल पक्ष अभी गीत हरि वेदा, मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता। कहते हैं नवमी तिथि में आने का इसका बहुत कारण बताए, कहते जितने संख्या में सबसे बड़ा संख्या क्या है, नौ। जितने सारे संख्या में एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ, इस सारे संख्या में सबसे बड़ा संख्या नौ है। इसलिए भगवान ये नवमी तिथि में इसलिए आए, जगत में सबसे बड़े कौन है, बोले भगवान राम है, इनसे बड़े कोई है नहीं, भगवान से कौन बड़ा हो सकता है। हाँ, इसलिए भगवान ये नौ संख्या में भगवान अवतीर्ण हुए। कद इसका दूसरा कारण क्या, भगवान ये नवमी तिथि में आए, कहते जो नवमी तिथि कहती है रिक्ता है, रिक्ता मतलब खाली, कहते नवमी तिथि में कोई अच्छा काम कोई नहीं करता है, कहते चतुर्दशी चतुर्थी और नवमी ये रिक्ता खाली तिथि, ये तिथि में कोई अच्छे काम कोई करते नहीं। एक दिन ये नवमी तिथि आकर के भगवान को चरण पकड़ के बहुत रोए, बोले प्रभु मेरे को क्यों सृष्टि किया, बेकार मेरे को सृष्टि किया, मैं इतने दिन के बाद में एक बार आता हूँ और आए तो कोई हमें कोई अच्छे काम करते ही नहीं। भगवान ने कहा कोई चिंता नहीं, मैं ऐसे तिथि को चाहता हूँ, बोले कौन सा, बोले रिक्ता, रिक्ता मतलब खाली, मैं तो यही चाहता हूँ, मेरे पास में जितने आते हैं ना वो कुछ भर करके लेकर के आते हैं, खाली तो कोई मेरे पास में आते ही नहीं, कोई चीज खाली हो तभी तो मैं भरूं, अगर पहले से कोई चीज भरा हुआ फिर मैं भरू कैसे, हाँ हृदय तो खाली होकर गानी चाहिए। इसलिए भगवान जो बंसुरी है, ये बंसुरी इतना प्रिय क्यों है भगवान को, इसलिए राधा रानी कभी कभी कहती है, कहते सखियां अगले जीवन में और मैं राधा बन करके नहीं आऊंगी, मैं आऊंगी तो बंसुरी बन करके आऊंगी, बोले देखो ये बंसुरी के कितने सौभाग्य है, ये कन्हैया तुम्हें बंसुरी में छोड़ते नहीं है, कभी अपना कमर में रखते है और कभी अपना हाथ में और कभी बंसुरी का रख करके सुंदर सुंदर बंसुरी में सुंदर सुंदर भगवान बंसुरी बजाते हैं। हाँ, इसलिए गोपियां कहती हैं देखो भगवान ये बंसी की कितने सौभाग्य, ये बंसुरी की हाँ कितने सौभाग्य है, बोले क्या सौभाग्य है, उन्होंने उदाहरण दिया कन्या कैसे बंसुरी बजाते मेरे तरफ में देखो कैसे बंसुरी ऐसे ऐसे रख करके त्रिभंग ललिता रूप में बंसुरी बजाते हैं। राधा रानी कहती हैं जैसे एक राजा महाराजा की जैसे सेवा करते हैं, कृष्ण ऐसे सेवा कर रहे हैं, मानो कृष्ण का जो ये दो अंगुल नहीं, जैसे सुंदर कोई बेड गोबर में जैसे सोते हैं बंसुरी को, और बेड और कहते जैसे बेड गोबर में सो करके सिर कहाँ रखते हैं, बोले तकिया गोबर में पिल्लो गोबर में, कहते भगवान का जो होठ है कहते ये पिल्लो है ये तकिया है, हाँ? और भगवान जो ये अंगुली चलाते हैं बंसुरी बजा जो अंगुली चलाते हैं, बस अंगुली नहीं उनका चरण दबा रहे हैं भगवान, हाँ जैसे किसी राजा महाराज की सेवा करते हैं, बोले भगवान का कान में कुंडल है, बोले कुंडल क्या, बोले कुंडल नहीं जैसे किसी राजा को सिर को ऊपर में छत्र धारण करते हैं, कुंडल ऐसे गोल होता है ना,
हाँ ऐसे कुंडल होता है, ऐसे नहीं ऐसे वाले कुंडल है, हाँ? इसलिए जैसे किसी राजा महाराज के ऊपर में छत्र धारण करते हैं, फिर कदर भगवान का जो आंख का जो पलक झपता है, पलक थोड़ी जैसे किसी राजा महाराज को पंखा झुला दे, हाँ? देखो ये बंसुरी को भगवान कितने सौभाग्य दिए। राधा रानी बोलती है चलो हम पौर्णमासी को पास में जाएंगे, ये पौर्णमासी को पता है पूर्व जन्म की सारी बात, हाँ? इसलिए उसको पूछेंगे ये बंसुरी ने ऐसे कौन सा सौभाग्य किया जिसका फल स्वरूप भगवान ये बंसुरी अपना पास में रखते हैं। हम तो कन्या को पास में ही भटक नहीं सकते, अगर सास ननद को पता चले गया तो हराम कर देंगे फिर जीवन को, हाँ? इसलिए ये बंसुरी को भगवान इतने सौभाग्य देते हैं, हाँ? कहते भैया क्यों इतने सौभाग्य दे रहे हैं बंसुरी को, कारण है उसका अंदर में पोला है, वो खाली है, हाँ? इसलिए भगवान राम भी कहते हैं वो मोहिन भाई, हाँ? हाँ, इसलिए भगवान राम भी कहते हैं जिसको हृदय में कपट खल है वो मेरे को पसंद नहीं, मैं तो पसंद करता हूँ जिसका हृदय खाली है, हाँ? इसलिए यहाँ पर भगवान राम ने कहा मैं तो ऐसे व्यक्ति चाहता हूँ जो खाली हृदय से मेरे पास में आए और मैं अपना रस से उसको मैं भर दूं। इसलिए बोले जगत में दो नाम बड़ा है सुंदर है, एक राम है और एक आम है एक राम है एक कृष्ण है, बोले एक राम भी है और एक आम है, बोले क्यों, बोले ये राम नाम जितना लो उतना मीठा है, हाँ? इसलिए शंकर जी कहते हैं बोले सहस्र नाम नाम पुण्य नाम, हाँ? राम रामेति रमेति रम रमी मनोरमी सहस्र नाम अभिस्थुल्यम श्री राम नाम वरान। शंकर कर पार्वती जो विष्णु का जो सहस्र नाम है 1000 जो विष्णु सहस्र नाम उसको जो एक बार करने पर जो फल मिलेगा 1000 विष्णु सहस्र, बोले एक बार अगर इसने श्री राम का नाम ले लिया तो वही उसको फल मिलेगा 1000 विष्णु का नाम लेने का जो फल है। कहते जो एक बार राम नाम कितना फल है, बोले कृष्ण नाम की उससे भी ज्यादा है, बोले सहस्र नाम नाम पुण्य नाम त्रिरा वित्वा तु जत फलम एक वृत्वा तु कृष्णस्य नामैकता प्रजच्छति। कहते विष्णु सहस्र नाम को कोई 3 बार बोले, बोले 3000 विष्णु का नाम ले ले, अगर किसी ने एक बार श्री कृष्ण बोल दे, कहते एक कृष्ण नाम बोलने का साथ साथ 3000 विष्णु का नाम फल एक साथ मिल जाता है, मतलब एक कृष्ण नाम समान 3 बार राम नाम। कहते एक एक फिर कृष्ण नाम से बड़ा नाम कौन है, बोले श्री राधा जी का नाम है, ये कृष्ण चंद्र जी को कह रहे हैं, बोले चंद्रमा बोले मम नाम सतनापी राधा नाम सदूतमम ज करोति सदा राधा ना जाने महिमा किंतम, हाँ? इसलिए अगर मेरा कोई 1000 नाम ले, अगर एक बार कोई श्री राधा रानी का नाम ले ले, एक राधा रानी का नाम मेरे 1000 नाम को साथ में बराबर है। बोले जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। इसलिए एक राम और एक आम, यहाँ पर जो राम है श्री राधा जी बस हाथ में रमण करने पर राम है, हाँ? एक राम है और एक आम है, इसलिए ये कहते श्री, इसलिए एक संत कह रहे थे जिसमें र शब्द होगा ना तो जरूर उसमें मिठासा होगा, जरूर उसमें रस होगा, इसलिए राम कृष्ण राधा सब र शब्द है रस, हाँ? इसलिए कहते एक राम और एक आम। राम नाम भगवान का नाम जितने लो जितना बार ठाकुर जी का नाम लो, इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं तुंडे तांडव नृत्य वितनुते तुंडावलि लभते, भगवान का नाम जब जिह्वा पे उदय होता है ऐसे लगता है 1000 जिह्वा क्यों नहीं दे दिया, एक जिह्वा क्यों दिया, हाँ? और आम कोई फल जगत में एक बार अगर मुंह में लग कर गिर पड़े कोई वो फल को नहीं खाते, कोई फल को मुंह में अब लिया अगर मुंह से कोई निकल जाए उसको उठाकर खाओगे, लेकिन आम को उसका जो गुठली है जितना बार चूसो आम को जो गुठली है आप जितना बार मुंह में चूसो और निकालो
कोई उसको बुरा नहीं मानते, बल्कि जो देखेगा, अगर कोई बढ़िया आम खा रहे हो, जो चूस रहे हो, जो देखेगा ना, उसको मुंह में भी पानी आ जाएगा। लेकिन और कोई दूसरे फल को मुंह में एक बार जाते गिर पड़े तो उसको कोई भी मुंह में नहीं उठाते, लेकिन केवल आम को लेते हैं, क्योंकि आम में जो र है उसका जो मूल शब्द आम्रम, हाँ ये रस उसी में है। इसलिए बोले जय जय श्री राधे, बोले सियावर राम चंद्र की जय, जय श्री राधे। इसलिए भगवान नवमी तिथि में इसलिए आए, कहते जो नौ जो संख्या है वो रिक्ता को खाली है। कहते भगवान नवमी तिथि में क्यों आए, भगवान के नवमी तिथि क्यों आया। गोस्वामी तुलसीदास एक बहुत बढ़िया उदाहरण दिया, ये गजब की उदाहरण है। वो क्या बोल रहे हैं क्यों नवमी तिथि में आए, बोले तुलसी अपने राम को भजन करो निशंक, आदि अंत निर्वाही है जैसे नभो का अंक। कहते तुलसी अपने राम को भजन करो निशंक। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बोले भैया भजन करना तो प्रभु राम को भजन करो निशंक होकर के, मतलब बिना चिंता के भगवान राम की भजन करो। बोले राम के क्यों भजन करें, उदाहरण जैसे नौ संख्या, जैसे वो अपना साथ में जो संख्या जुड़ जाता है उसको वो त्याग नहीं देता है। जैसे उदाहरण दिया, नौ को साथ में एक को गुणा करो कितना होगा, नौ के नौ, नौ को साथ में एक मिला तो क्या हो गया, नौ हो गया। अभी नौ को साथ में दो का गुणा करो कितना होगा, नौ दो अठर, एटीन, टू टेन, नौ दो, नौ के साथ में दो में गुणा करो, हिंदी में क्या बोलते हो, अठारह हो जाएगा। और एक आठ मिला दो कितना हो जाएगा, नौ, अठारह में एक आठ मिलाओ कितना होगा, नौ। अभी नौ को साथ में तीन को गुणा करो कितना होगा, कितना, ट्वेंटी सेवन, ट्वेंटी सेवन होगा। अभी ट्वेंटी सेवन को ट्वेंटी दो को साथ में सात को मिलाओ कितना होगा, नौ। अभी नौ को साथ में चार का गुणा करो कितना होगा, 36। अभी 36 में थ्री और छह को मिलाओ कितना हो जाएगा, नौ। अभी नौ को साथ में पांच को गुणा करो कितना होगा, 35। अभी 45 को चार को पांच में मिलाओ कितना हो जाएगा, नौ। नौ को साथ में छह का गुणा करो कितना होगा बताओ, 54। अब 50 पर 5 को 4 में गुणा करो कितना, 9। अभी 9 के साथ में 7 को गुणा करो कितना होगा, 63। अभी 63 को 6 के साथ में 3 को गुणा मिलाओ कितना हो जाएगा, 9। 9 के साथ में 8 को गुणा करो कितना होगा, 72। अभी 72 में 7 को 2 में मिलाओ कितना होगा, 9। अभी नौ के साथ में नौ का गुणा कर कितना होगा, 81 को 80 के साथ में एक का गुणा करो कितना हो जाएगा, मिलाओ कितना हो जाएगा, नौ। नौ के साथ में 10 का गुणा कर कितना होगा, 90। वो भी नौ है। इसलिए यहाँ गोस्वामी तुलसीदास एक बहुत बढ़िया उदाहरण दिया है, कहते भगवान राम ये नौमी तिथि में क्यों आए, कारण क्या है। बोले कारण बताइए, जैसे नौ को साथ में किसी अंकों को गुणा कर दो, वो जो संख्या होता है वो नौ उसको नहीं छोड़ रहा है, जो संख्या हो रहा है नौ उसको छोड़ नहीं रहा है, हाँ वो मिला करके नौ बना देता है। कहते उसी तरह जो व्यक्ति ये भगवान राम को जो भजन करेगा, जो भक्ति करेगा राम को, कहते नौ को साथ में अगर कोई मिल जाए, मतलब राम को साथ में अगर कोई मिले तो भगवान राम कभी इसको त्याग नहीं देते हैं, हाँ? और सब संख्या त्याग दे देगा, और जितना देखो दो के दो, दो दुगने चार हो गया, सब संख्या आपको त्याग देगा, लेकिन नौ संख्या कभी अपना संख्या को त्याग नहीं देता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, उसी तरह जब हम भगवान का चरण में जाएंगे, प्रभु राम कृष्ण चरण की भक्ति करेंगे, वो कभी हमें त्याग नहीं देंगे। बोलो श्री वृंदावन बिहारी जय जय श्री राधे।
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। इसलिए नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष आदि गोस्वामी तुलसीदास जी ये ग्रंथ का नाम क्या रखा? क्या नाम बताओ? रामचरितमानस। अब देखो उसमें कितना करें, राम चरित श्री राम चरित मानस, उसमें भी ना अक्षर है। इसलिए उन्होंने जब वो ग्रंथ का नाम भी रखे हैं वो ना अक्षर उसमें भी है, इसलिए उसमें ना सलवस उसमें श्री रामचरितमानस, इसलिए उसमें ना कह रहे। आप जब उन्होंने मंगलाचरण देखो, अब मंगलाचरण में भी कहते इतना बड़ा मंगलाचरण किसी ग्रंथ में नहीं है। श्री गोस्वामी तुलसीदास उसका जो मंगलाचरण में कहते नौ श्लोक है, आप लोग देख लीजिएगा उसमें नौ श्लोक को, नौ व्यक्तियों को उन्होंने नौ श्लोकों के द्वारा उन्होंने मंगलाचरण भी किया है। इसलिए कहते वो नौ संख्या को वो कभी छोड़े नहीं ग्रंथ रूप में, क्योंकि भगवान राम ये नवमी तिथि में आए हैं। बोले माता सीता कौन सा तिथि में आए बता सकते हो? सीता भी ये नवमी तिथि में, ये सीता भी नवमी तिथि में जन्म लेते हैं। हाँ कभी ये हनुमान जी कौन सा तिथि में आए? कभी नवमी तिथि में। कभी ये ग्रंथ कौन सा तिथि में प्रकट हुआ? बोले श्री नवमी तिथि में। इसलिए अब नौ संख्या सबसे बड़ा संख्या है और जगत में सबसे बड़े प्रभु श्री राम है। बोले श्री सियावर रामचंद्र की। बोले शुक्ल पक्ष अभिजिता हरिप्रीता, कहते उन्होंने कौन सा पक्ष में जन्म लिया है? बोले श्री शुक्ल पक्ष में। तब यहाँ पर कहते उन्होंने शुक्ल पक्ष में और मधुमास, हाँ कहते मधु नाम क्या मधुमास, कहते ये मधुमास में जो जन्म होता है आप लोग देख लीजिएगा, मधुमास में जो जन्म होगा उसका जो वाणी में बहुत मिठासा होता है। हाँ इसलिए रामचंद्र, आप देखो जब रामचंद्र युद्ध कर रहे हैं रावण को साथ में, वो युद्ध करते समय में भी राम क्रोधित तो होकर के नहीं, वो युद्ध का समय में भी भगवान का राम का मुंह से उसी समय भी मीठा बोली निकल रहा है। हाँ इसलिए कहते शुक्ल पक्ष में भगवान जन्म लिया। कहते जो शुक्ल पक्ष में जन्म लेगा उसमें विशेषता क्या है? कहते शुक्ल पक्ष में जन्म लेने पर उसका जो चरित्र है कहते बहुत निर्मल चरित्र बनेगा उसका, उसका चरित्र में कभी दाग नहीं देखने को मिलेगा, एकदम शुद्ध चरित्र युक्त होगा। हाँ इसलिए कहते कौन सा बार को उन्होंने जन्म लिया बता सकते हो? कौन सा बार? कहते श्री मंगलवार को जन्म लिए। बोले ये मंगलवार को क्यों जन्म लिए? कहते जो मंगल है, कहते ये भूमि का पृथ्वी का जो पुत्र है उसका नाम मंगल है, भूमि का पुत्र। कहते माता सीता कहां से जन्म हुई? भूमि से, पृथ्वी से। इसलिए पृथ्वी का जो पुत्र ये मंगल है, तब भगवान राम के साथ में क्या लगा? साला साल होगी। हाँ मानो अपना साले को खुश करने के लिए भगवान ने कहते मंगलवार में भगवान ये जन्म ग्रहण करते हैं। हाँ इसलिए शुक्ल पक्ष कहते श्री, कहते कौन सा नक्षत्र में भगवान राम जन्म लिए? कहते भगवान जो नक्षत्र में उन्होंने जन्म लिया है, देख लेता कौन सा नक्षत्र। बोले श्री सियावर राम चंद्र की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। हाँ क्या फिर नक्षत्र का नाम नहीं आ रहा है?
अभिजित मूत्र मुहूर्त हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे पुनर्वसु नक्षत्र में जन्म लिया। कहते पुनर्वसु मतलब क्या? मतलब पुनर्वसु मतलब पुनः बसती, मतलब है जो उजड़ा हुआ, हाँ कहते जो उजड़ा हुआ राज्य को जो बना दे बैठा दे, इसलिए इसका नाम पुनर्वसु। जैसे देखो विभीषण का राज्य उजड़ गया था, उन्होंने प्रभु राम का शरण में आए तो भगवान राम उसको राज्य को बैठा दिया है। और सुग्रीव उसका भी राज्य उजड़ गया था, बलि ने राज्य भी ले लिया, उसको बीवियों को भी ले लिया, दोनों को ले लिया, लेकिन प्रभु राम का शरण में आया तो भगवान राम फिर उन्होंने बाली को बध करके फिर उसको राज्य को दोबारा बैठा देते हैं। इसलिए जब पुनर्वसु में अगर कोई जन्म ग्रहण करे तो उजड़ा हुआ राज्य को जो बैठा देते हैं, कहते हैं पुनर्वसु है। इसलिए भगवान राम जो तिथि में भगवान राम जन्म लिए हैं वो सबके सब अद्भुत अद्भुत तिथि में भगवान राम जन्म लिए। जब भगवान राम जन्म लिए उसी समय कहते पृथ्वी संपूर्ण प्रसन्न हो गई, पृथ्वी सरजू नदी कलकल नाद से बहते हुए भगवान राम की जय जयकार करते हुए ये सरजू नदी बह रही थी। बोले क्यों? बोले भगवान राम जन्म लेंगे तो सुंदर सुंदर सरजू में प्रभु लीला विलास करेंगे। और कहते ये संपूर्ण जो अयोध्या, कहते संपूर्ण अयोध्या सारे पेड़ पौधे में अपने आप फूल खिल गया, फल खिल गया, अयोध्या एकदम जैसे दुल्हन का भाती ये अयोध्या सज गई। और कहते जब ये भूमि को खोदते थे कहते भूमि से अपने आप रत्न मणि निकलता था। किसने जाकर के वशिष्ठ को बोले कहते भूमि को खोदो ये अपने आप मणि निकल रहा है, ये क्या कारण है? बोले अभी तो साधारण मणि निकल रहा है, बाद में रघु कुल मणि स्वयं प्रकट होने वाले हैं। हाँ इसलिए जितने साधु संत थे वो लोग तो रावण का अत्याचार से इतने दुखी दुखी हो गए थे। बोले सियावर रामचंद्र की जय। जितने साधु थे रावण का अत्याचार से सबके सब डरे हुए थे, क्योंकि उसका निर्देश था मेरे देश में कोई भगवान का कीर्तन हवन यज्ञ नहीं कर सकते मेरे देश में। लेकिन अभी भगवान राम जन्म लेने वाले
कद उनका हृदय से वो अपनी आप भगवान का राम निकलने लगा, उनका अंदर में इतने शक्ति आ गया, बोले हमारा कौन क्या बिगाड़ सकता है, क्योंकि भगवान प्रभु राम अभी जन्म लेने वाले हैं। सब के सब ढोलकी मजीरा उठा करके रघुपति राघव राजा राम पतित पावन रघुपति राघव राजा राम पतित पावन जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम। सबके सब प्रभु राम का नाम ले रहे। रावण ने बोला था मेरे देश में यज्ञ कोई नहीं कर सकते, यज्ञ के लिए मना किया था, लेकिन अपने आप बगैर हवन सामग्री के बगैर अपने आप यज्ञ कुंड से अपने आप अग्नि प्रज्वलित हो रहा बगैर हवन सामग्री के। हाँ, इसलिए सबके सब प्रसन्न हो रहे हैं, सबके सब खुश हो रहे हैं। इसलिए अभी भगवान रामचंद्र जब जन्म लिए, जन्म होते ही कैसे भगवान का रूप था श्याम, दुर्बादल श्याम रंग था भगवान का नाम। दशरथ तो महाराज बड़े उत्कंठित थे, कब मेरे घर में बच्चा जन्म हो, अब घर में कब किलकारी गूंज उठे, क्योंकि शास्त्र में बताया गृहस्थ में संतान होनी ही चाहिए, संसार इंद्रिय सुख के लिए नहीं संतान के लिए। इसलिए पुत्रार्थे क्रियते भार्या, ये पुराण का श्लोक है। स्त्री को क्यों हम ग्रहण करते हैं, अपना इंद्रिय सुख के लिए नहीं, बोले पुत्रार्थे क्रियते भार्या, संतान के लिए ही स्त्री को ग्रहण करना। जैसे कोई वृक्ष हो, अगर वृक्ष में फल नहीं हुआ ना, फिर क्या होगा, वृक्ष का कोई महत्व तो नहीं है। वृक्ष में फल हो तभी वृक्ष का महत्व है। इसलिए आप भागवत में सुने होंगे धुंधुकारी का, आत्मदेव का संतान नहीं था तो घर में फल आए तो छट जाए, गैया बांझ हो गया, पूर्वजों पानी ग्रहण नहीं कर रहे हैं, सारा दुनिया निंदा करते, इसका मुंह मत देखा करो। शुभ कार्य में कोई जाओ, अगर जिसका संतान नहीं मुंह दे कर गए तो काम तुम्हारा बेकार हो जाएगा। हाँ, इसलिए दशरथ महाराज सोच रहे घर में कब बच्चे हो, घर में कब किलकारी से, बच्चों का किलकारी से कब घर गूंज उठे। हाँ, इसलिए वो प्रतीक्षा कर रहे थे। इतने में भगवान राम जब जन्म हुए, बोले श्री प्रभु रामचंद्र की। एक दासी ने देखा नील कमल जैसे, दो आंख एकदम जैसे जैसे कमल की पंखुड़ी जैसे, दोनों आंख और नील कमल जैसे के सुंदर बच्चा जन्म हुआ। उसने दौड़ दौड़ करके आया और दशरथ महाराज बोले, दशरथ महाराज बधाई हो, दशरथ महाराज बधाई हो, आपका एक सुंदर बालक जन्म लिया। दशरथ महाराज सुनते ही अपना गले के जो बड़े कीमती हार था उसको उतारे और बोले लो, दासी को उन्होंने हार दे दिया। जब हार दे दिया, अभी तो राम जन्म हुए, अभी थोड़ी देर बाद में कैकेयी ने एक संतान जन्म दिया, लेकिन ऐसे लग रहा था मानो राम ही दो बार जन्म ले लिया। क्योंकि राम देखने में कैसे श्याम रंग के, हाँ दुर्बादल, भरत देखने में वो भी श्याम रंग के, ऐसे लग रहा था जैसे मानो राम ही दो बार जन्म ले लिया। दो बार जन्म लिया, किसने आकर के बोले लगता है जैसे राम ही दो बार जन्म ले लिया। इतने में वशिष्ठ जाकर के देखा, क्या बात है, जाकर के देखा कहते भगवान का एक चिन्ह है उनको बक्ष स्थल के बीच में, कहते ये भृगु पद चिन्ह भगवान का बक्ष स्थल में, और भृगु लता चिन्ह है भगवान का बक्ष स्थल का विशेष चिन्ह है। देखा राम का बक्ष स्थल में तो वो चिन्ह है लेकिन भरत का नहीं, और भरत को और एक देखा, भरत का जो आंख है उसका नाक में टिका हुआ है, इसका मतलब उसका नजर नाक में, मतलब है ये बहुत बड़ा मुनि राम का, ये बहुत बड़ा भक्त बनेगा। इसलिए बोले राम नहीं, ये तो भरतलाल ने जन्म लिया। उसके बाद में
फिर एक साथ में भरत फिर जन्म हुए वहां पर, ये शत्रुघ्न जन्म हुए, भरत जन्म हुए, फिर कहते सुमित्रा की गर्भ से फिर लक्ष्मण और शत्रुघ्न, ये चार बालक जन्म हुए। जब ये बाहर चार बालक जन्म हुए, दशरथ महाराज सुन करके इतने प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न हुए, नाई को बुलाए, बोले जाओ पूरा अयोध्या में ढिंडरा पिटवा दो, श्री दशरथ महाराज के लाला भयो है, जितने सारे अयोध्या वासी सब धज करके श्रृंगार करके आए, और जितने माताएं सबके सब, हाँ सबके सब सुंदर श्रृंगार अलंकार से श्रृंगार करके आए, और दशरथ महाराज घर में बधाई देने के लिए अभी सारे अयोध्यापुरी में ढिंडरा पिटवा दिया, और जितने सारे अयोध्यावासी सुंदर सुंदर उपहार को लेकर के राम लाला के लिए उपहार लेकर के तरह तरह का वस्त्र अलंकार कोई खाना पीना फल फूल लेकर के सबके सब अयोध्या में आए, और वहां पर महोत्सव कर रहे हैं। कोई भजन गा लो, अच्छा भजन। बोले श्री सियावर राम चंद्र की जय। तो ही के तिथि नौमी तुनो बत बाजे, तुनो बत बाजे हो, जय तो ही के तिथि नौमी तुनो बत बाजे, तुनो बत बाजे हो, बाजे गाता दशरथ के भागे कुटिया गानी मंदिर हो, बाजे गाता दशरथ के भागे कुटिया गानी मंदिर हो, अगर मिली हो ना सकिया सहे ना तो मिले जुली, चल हो तो मिली जुली चल हो, मिल हो ना सकिया सहे ना तो मिली जुल चल हो, तो मिली जुल चल हो, सखी राजा घर अरे सखी राजा घर जन मेरा कर बनी हचारग हो, सखी राजा घर जन मेरा कर बनी हचारग हो, कोई सखी बाजत बंद कोई एक जगाव, कोई एक जगाव तो अग तेरे सखी कोई दकिना बाके चीर अग बनी हचारग हो, कोई दकिना बाके चीर अग बनी हचारग हो, बहुत निक लागे बहुत निक लागे हो, रामा के मथुआ चंदनवा बहुत निक लागे बहुत निक लागे हो, सखी दे गई सखी दे गई गुरु जी वशिष्ठ बहुत निक लागे हो, सखी दे गई गुरु जी वशिष्ठ बहुत निक लागे हो, जगवा बहुत निक लागे बहुत निक लागे हो, रामा के रतिया जगवा बहुत निक लागे बहुत निक लागे हो, रामा के रतिया जगवा बहुत निक लागे बहुत निक लागे हो, सखी गज दिले सखी गज दिले बुआ तो बदगा तो पतली अंगुरिया हो, सखी गज दिले बुआ तो बदगा तो पतली अंगुरिया हो, रामा के बगवाल उतरिया बहुत निक लागे बहुत निक लागे हो, रामा के बगवाल उतरिया बहुत निक लागे बहुत निक लागे हो, सखी जैसे सखी जैसे फूल नदी से कलिया देखत कभी लागे हो, सखी जैसे फूल नदी से कलिया देखत कभी लागे हो,
लगे दुर्वा घुंघरवा बहुत निक लागे बहुत निक लागे हो श्यामा के दुर्वा घुंघरवा बहुत निक लागे बहुत निक लागे हो श्यामा नंगे घोड़े नंगे घोड़े चलता बकैया तो राजा दशरथ तो हो श्यामा नंगे घोड़े चलता बकैया तो राजा दशरथ हो सुनावे हो अरे जो यही मंगल लगाए हो गाय के सुनावे हो गाय के सुनावे हो तुलसीदास बलि आशा सुनिया फल पावे हो तुलसीदास बलि आशा सुनिया फल पावे हो सखी तुलसीदास बलि आशा सुनिया फल पावे हो राम जन्म सुनि आइए भैया दे दो बधाई 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 दे दो बधाई मैया दे दो बधाई दे दो बधाई मैया दे दो बधाई दे दो बधाई मैया दे दो बधाई राम जन्म सुनि आइए भैया 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 दे दो बधाई टीका भी लूंगी मैं तो झूमर भी लूंगी 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 नथनी की दे दे गगबाई गे भैया दे दो बधाई राम जन्म सुनि आइए मैया दे दो बधाई राम जन्म सुनि आइए मैया दे दो बधाई आग भी लूंगी मैं तो आग भी लूंगी मैं तो पगड़ी भी लूंगी आग भी लूंगी मैं तो पगड़ी भी लूंगी जीवन के दे दो जग वहीं मैया दे दो बधाई राम जन्म सुनि आइए मैया दे दो बधाई राम जन्म सुनि आइए मैया दे दो बधाई जूता भी लूंगी मैं तो कुंडल भी लूंगी जूता भी लूंगी मैं तो कुंडल भी लूंगी मैं तो कुंडल भी लूंगी कुंडल भी लूंगी दुर्गा को जज बनवाइए मैया दे दो बधाई राम जन्म सुनि आइए मैया दे दो बधाई राम सुनि आइए मैया दे दो बधाई संगत भी लूंगी संगत भी लूंगी मैं तो चोरी भी लूंगी संगत भी लूंगी मैं तो चोरी भी लूंगी मैं तो चोरी भी लूंगी मैं तो चोरी भी लूंगी कंगन भी लूंगी मैं तो चोरी भी लूंगी कंगन भी लूंगी मैं तो चोरी भी लूंगी मोतिन की आगे मोतिन की दे दे पुवाई गे मैया दे दो बधाई मोतिन की दे दे पुवाई गे मैया दे दो साड़ी भी लूंगी मैं तो चुनरी भी लूंगी साड़ी भी लूंगी मैं तो चुनरी भी लूंगी मैं तो चुनरी भी लूंगी अरे साड़ी भी लूंगी मैं तो चुनरी भी लूंगी साड़ी भी लूंगी मैं तो चुनरी भी लूंगी अरे लंहे अगर लंहे को दे दे सिवाई गे मैया दे दो बधाई दे दो बधाई
सुनी आई रे मैया रे रो बधाई राम जन्म सुनी आई रे पायल भी लूंगी मैं तो पिछवे दिलूंगी पायल भी लूंगी मैं तो पिछवे दिलूंगी पायल भी लूंगी ओ लूंगी 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 पायल भी लूंगी मैं तो पिछवे दिलूंगी पायल भी लूंगी मैं तो पिछवे दिलूंगी हनुमती देर बनवाई गे मैया दे दो राम जन्म तुम्हें आई गे मैया दे दो बधाई राम जन्म आई गे राम जन्म तुम्हें आई गे मैया दे दो बधाई राम जन्म तुम्हें आई गे हनुमान रथ समेत रवि ठाके निशा कवर विधि होई गोस्वामी तुलसीदास वर्णन कर रहे हैं जब भगवान राम जन्म हुए अभी जो भगवान कौन सा वंश में आए भगवान सूर्य वंश में आए अभी उनको वंश में लाला जन्म हो रहे हैं अभी सूरज गए ब्रह्मा जी को पास में बोले हमको एक दिन के लिए छुट्टी चाहिए बोले छुट्टी बुट्टी कुछ नहीं मिलेगा बोले अगर आप छुट्टी लगो तो सारा दुनिया अंधकार अंधकार हो जाएगा हाँ बोले बोले एक दिन तो छुट्टी दे तो बोले नहीं छुट्टी बुट्टी कुछ मिलेगा नहीं सूर्य देवता ने कहा भैया मेरे वंश में लाला जन्म हो रहा है कम से कम एक दिन तो छुट्टी हमको चाहिए अगर नहीं दोगे तो घड़ी की जो घंटा जहाँ की तहाँ रह जाएगी फिर लेकिन हमको तो छुट्टी चाहिए गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पर बता रहे हैं मास दिवस कहते कहते एक महीना तक सूरज देवता एक जगह पर रह गई थोड़ी सी हिले डोले नहीं हाँ और अयोध्या वासी कहते दुख में देखो दुख में समय इतना बहुत कठिन एक एक पल कितना कठिन लेकिन सूर्य में पता ही नहीं चलता समय कैसे बीत जाता है और जहाँ पर प्रभु राम स्वयं जन्म हुए वहां तो सख्त आनंद कंद जन्म हुए हैं लोग तो ऐसे नाच रहे थे हाँ दशरथ के आनंद भयो जय राम लाला की सबके सब गा रहे थे हाँ जियो राम लाला जियो राम लाला पीली तरी पगड़ी रंग काला हाँ सबके सब गा रहे थे नाच रहे थे एक महीना तक एकदम सूरज खड़े होकर के अब भगवान सूर्य वंश में पहले सूर्य का प्रचंड तेज कब होता है एकदम दिन दोपहर में 12 बजे इसलिए भगवान प्रभु राम भी 12 बजे आए जब राम 12 बजे आए सब नाच रहे गा रहे लेकिन एक व्यक्ति बड़ा दुखी था बोले कौन बोले चंद्रमा वो एक कोने में बैठ बैठ कर रो रहा है भगवान राम ने कहा चंद्रमा मैं जन्म लेने पर देख सबके सब नाच रहे हैं हाँ इसलिए नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की सबके सब नाच रहे हैं प्रभु दशरथ के आनंद भयो जय राम लाला की और तू यहाँ कोने में बैठ बैठ कर रो रहे हो बोले प्रभु रोऊंगा नहीं क्या हंसूंगा बोले क्यों रो रहे हो बोले प्रभु देखो आपका जन्म उत्सव में सबके सब नाच रहे बोले तू भी नाचना बोले प्रभु कैसे जाऊं ये सूरज को देखो एक महीना से एक जगह पर खड़ा हुआ वो हिल डुल नहीं रहा है जब सूरज जाएगा तब तो चंद्रमा आएगा इसलिए मैं तो आपका जन्म उत्सव से मैं वंचित हो गया प्रभु मैं तो बड़ा दुर्भागा हूँ भगवान ने कहा कोई चिंता मत करो इस बार तो मैंने सूर्य वंश में आया अगली बार जब आऊंगा फिर तेरे वंश में आऊंगा चंद्र वंश में आऊंगा कृष्ण कन्हैया पूर्ण रूप में आऊंगा बोले प्रभु पता नहीं कब आओगे द्वापर युग कब आएगा लेकिन अभी तो मैं वंचित हो गया बोले चिंता मत करो
मेरा नाम तो राम है लेकिन अपना साथ में तेरे नाम को भी जोड़ लूंगा, मेरे को दुनिया कहेगा रामचंद्र। अभी खुश हो? बोले प्रभु मैं खुश हूँ। बोले श्री सियावर रामचंद्र की। अभी भगवान जब जन्म हुए, अभी जन्म के बाद में अभी नियम है, अभी नाड़ी छेदन होनी चाहिए। अभी नाड़ी छेदन कौन करेगा? कहते माता सरस्वती, कहते स्वयं वहां पर माता सरस्वती नाड़ी छेदन करने के लिए स्वयं आती हैं और स्वयं भगवान की नाड़ी छेदन करती हैं। कहते नाड़ी छेदन क्या, उसको कुछ देना पड़ेगा? बोले तुमको क्या चाहिए? बोले मेरे को अन्न धन सोना कुछ नहीं चाहिए, मेरे को एक चीज दे दो, कौशल्या माता की जो वस्त्र बही हुई, केवल वही उतरा हुई वस्त्र मुझे दे दो, केवल इतना ही मैं चाहता हूँ। क्यों? भगवान जन्म हुए उसी वस्त्र में, इसलिए कह दो। वस्त्र कैसे था? बोले धवल वस्त्र है, इसलिए आप सरस्वती की वस्त्र देखो धवल वस्त्र है, इनका जो स्तुति में धवल वस्त्र है। हाँ, बोले जिस वस्त्र को भगवान राम जन्म हुए थे जिस वस्त्र को पहन करके, अभी भी उसी वस्त्र को सरस्वती ने त्याग नहीं दिया है, इसलिए उन्होंने उसी वस्त्र को नाड़ी छेदन समय में उन्होंने ले लिया। कहते उन्होंने दान कितने दिया? बोले 1 करोड़ गैया उन्होंने दान दिया, जिनकी सिंह को सोने में बढ़वा करके, उनके खुर की चांदी में बढ़वा करके, पीठ के ऊपर में मखमल कपड़ा उड़ा करके, और इन्होंने जो गैया को बोले 1 बछड़ा जन्म दिया है, 1 करोड़ उन्होंने गैया को उन्होंने ब्राह्मण को उन्होंने दान दिया। हाँ, और ब्राह्मण यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कद इतने धान दान लुटा रहे थे जिसका सोच नहीं सकते हो। तब हमारी पार्वती बोले प्रभु इतने धान दौलत लुटा रहे थे, फिर तो सबके सब मालामाल हो गए होंगे। सबके सब मालामाल हो गए। शंकर जी कहते पार्वती अयोध्या वासी सबके सब मानते हैं राम हमारा लाला है, वहां पर तो देने वाले थे लेकिन लेने वाले कोई थे ही नहीं। हाँ, और भगवान राम को ही अपना पुत्र मानने वाले, इसलिए और वहां पर कहते सुत मागध बंदी, कहते ये 3 व्यक्ति होते हैं। हाँ, कहते ये सुत कौन, मागध कौन, बंदी कौन? बोले जो सुत है कहते पौराणिक प्रवक्ता, जो सुत जो पुराण को जो गायन करे, कहते मागध, कहते मागध उसे कहते हैं जो वंशावली को कीर्तन करता है। बंदी, बंदी उसे कहते हैं जो उपस्थिति जो विषय है क्या हो रहा है नहीं हो रहा है उसको जो गान करे। ये तीनों ये है। अभी सुत मागत बंदी आए, बोले हमें भी कुछ चाहिए। हाँ, सुत आए, सुत आकर के बोले, बोले श्री दशरथ महाराज, बोले तेरे भय है सुत, तू कुछ कर कर, तू तेरे सुत भय है तो कुछ तो दान दो। अभी बड़े प्रसन्न होकर के उन्होंने बाबा ने उसको बड़ा सुंदर साल दोसला बना दिया, बोले लो दोसला ले लो। अभी धाड़ी नाचते नाचते आई, बोले बाबा मैं हूँ तेरे धाड़ी, तेरा पुत्र भयो है खिलाड़ी, मेरी घर वालियों को चाहिए साड़ी, नहीं तो तेरे को दूंगी गाड़ी। इसलिए हमें साड़ी दो, मेरी घर वाली ने कहा साड़ी लेकर के आना। इतने में दशरथ महाराज बड़ा सुंदर उन्होंने साड़ी, उनकी पत्नी के लिए उन्होंने साड़ी दे दिया। अभी बंदी आया, जब बंदी आया उपस्थित विषय को जो वर्णना करता है, जब बंदी आया उसको साथ में एक छोटा बच्चा भी आया था, उसने छोटे बच्चे ने कहा बाबा मैं भी कुछ तू को बंदी सुना दो बना बना कर। बोले सुना दो, क्या सुनाना चाहते हो? उनका छोटा बच्चा बंदी मतलब छोटे छोटे शब्दों को मिला मिला करके सुंदर गान करना। इतने में उन्होंने छोटे छोटे सुंदर सुंदर पदों को गा गा कर सुनाया, बोले मैं हूँ तुम्हारी बंदी, पहले बगल बंदी, मिटी जाए मेरी गंदी, खाओ शकर कंदी, दादा मेरी अंधी, भैया है बहुत गंदी, चाहो सोना चांदी, मिठाई कला कंदी। बोले वाह, बड़ा सुंदर बंदी रखाए। दशरथ महाराज तो प्रसन्न हो गए, बोले ठीक है, बोले बंदी तुम्हारा ये बेटा लगता है बड़ा बनकर बहुत बड़े कवि बनने वाला, इसका जिंदगी भर के लिए लिखना लिखाई पढ़ाई का पैसा मेरे से ले लेना। कहते श्री दशरथ महाराज उन्होंने इतने दान दिया, इतने दान दिया दशरथ महाराज, उन्होंने पूरा राज्य को उन्होंने लुटा दिया। हाँ, इतने में जब उन्होंने सबको दान दे दिया, एक कोई ब्राह्मण था उसको पता चला दशरथ महाराज घर में लाला भयो है,
दशरथ महाराज खूब लुटा रहे। ब्राह्मण आया, जब ब्राह्मण आया बोले महाराज जी मेरे को पता ही नहीं चला आपके घर में लाला भयो है, आप इतने दान पुण्य किए हो हमको पता ही नहीं चला, मुझे भी कुछ दो। तो दशरथ महाराज के हाथ में बहुत कीमती कंगन था जिसमें हीरे मोती में जड़ा हुआ कंगन, उन्होंने उसको निकाल कर उन्होंने दे दिया ले लो। और एक ब्राह्मण को पता चला कहते मुझे भी पता नहीं चला आप इतना दान पुण्य दे रहे हो। फिर लास्ट में जो गला का जो हार था उन्होंने उसको भी उतार करके दे दिया, उन्होंने कुछ रखा नहीं, सब कुछ पुत्र की महोत्सव में उन्होंने पुत्र की सब कुछ दे दिया। जब दे दिया शंकर जी जो माता पार्वती को ये कथा सुना रहे थे, सुनाते सुनाते हठात रुक गए। जब रुक गए पार्वती बोली बोला ना क्यों रुक गए हो, बोले मैंने एक चोरी भी की है, पता नहीं मैं तुमको सुनाऊं कि नहीं सुनाऊं। जब इतना सुने पार्वती तो चमक गई, अगर पति बोले मैंने चोरी की बोलो कि नहीं बोलो, हर पत्नी का पति के ऊपर में शंका रहता है, देखना हर पत्नी का शंका रहता है पति के ऊपर में, पता नहीं ना जाने किसको क्या अनजान में दे करके आ जाते हैं। हाँ हर पत्नी का पति के ऊपर शंका रहता है। कल एक बच्चा आया था भारत से, बोले अभी मैं घर में जाऊंगा ना पत्नी इतने प्रश्न करेगी कहाँ गया था क्या कर रहा था वहां पर क्या होता है, हाँ तुम किससे बात कर रहा था, सारा प्रश्न मेरे को करेगी जा घर में जाने पर। इसलिए जब पार्वती शंकर जी बोले मेरे को हाँ मेरे एक चोरी मैंने की, बोले भैया कौन सा चोरी की बताओ, तब शंकर जी बोले देखो जैसे तैसे चोरी नहीं की, मैंने एक बहुत बढ़िया चोरी की, बोले उसको तो मैं चाहता हूँ कहते वो चोरी को मैं चाहता हूँ मैं गा गा करके सुनाऊंगा। पार्वती बोले बोलो क्या गा करके सुनाऊंगा, देखो शंकर जी क्या गा गा कर सुना रहे क्या चोरी की। हाँ और एक कहो निज चोरी ही रामा हो रामा, और एक कहो वो चोरी हो रामा रामा, सोना गिर जा अति दिया अति चोरी हो रामा रामा, सोना गिर जा अति दिया अति चोरी हो रामा हो रामा, काको मुसी संग हम तो जाऊं हो रामा काको मुसी संग हम तो जाऊं हो रामा हो रामा, मन जरूर जाना चोरी। पार्वती बोली है मैंने चोरी की, हाँ बोले क्या चोरी की, बोले ये कहा घोसुंडी ने मेरे को आकर के बताया, बोले तुम्हें सुनाओ क्या हुआ है क्या हुआ, हमारे प्रभु स्वयं भगवान रामचंद्र अभी अयोध्या में अभी नर रूप में भगवान राम जन्म लिए हैं, चलो हम दर्शन करने के लिए जाते हैं, प्रभु का तो सारे लीला हमने देखी है, लेकिन वो पराग पर हो करके अभी इंसान का रूप धारण करके आए, ये लीला तो हमने देखी ही ना कभी। जैसे कृष्ण लीला में स्वयं शंकर जी दर्शन करने के लिए गोकुल में आते हैं, हाँ इसलिए मैया जो होता बड़े कठिनी से दर्शन देती हैं, उसी तरह शंकर भी कहते हम दोनों ये चोरी करके गए और हम अयोध्या में खूब आनंद कमारे बड़े प्रसन्न होकर घूम रहे हैं, क्योंकि सबके सब अयोध्या गा रहे थे हाँ दशरथ के आनंद भयो रे रामा लाला की, बड़े प्रसन्न होकर घूम रहे थे और हम कोशिश कर रहे थे अभी कैसे प्रभु का दर्शन हो, अभी तो प्रभु जन्म लिए हाँ अभी तो कुछ दिन हुआ है, अंदर में तो सबको घुसने देंगे ही नहीं, हमने सोचा क्या किया जाए क्या किया जाए, फिर हमको घुसने देंगे। इतने में शंकर और काक भुसुंडी दोनों गुरु और चेला का रूप धारण किया, शंकर तो गुरु बन गए और काको भुसुंडी बन गया चेले, चेले बन करके बोले भैया भैया चमत्कार को बड़े नमस्कार होता है, ऐसे कुछ चमत्कार दिखाओ जो कि अपनी आप माता कौशल्या आप लोग राजमहल में बुला ले। इतने में शंकर सब कुछ जानते हैं, वो तो त्रिकाल दृष्टा है, उन्होंने दो चार चमत्कार दिखा दिया, क्या चमत्कार दिखा दिया, सामने कोई व्यक्ति आया बोल दिया सारी बात, ओ अमू का बेटा है, ओ तेरी पत्नी का नाम ये, तुम्हारी बहनी का नाम, तुम्हारा घर यहाँ पर है, बोले भैया ये बड़े ब्राह्मण बड़े ज्योतिष बड़ा विद्वान है, ये तो देख करके सारी बात को बोल देते हैं और जिसको देखते हैं सारी बात बोल देते हैं,
थोड़ी देर में अगर कोई ज्योतिषी आ गए, अगर देखते ही बोल जाए, देखना पड़ा सारा दुनिया इकट्ठा हो जाता है, सारा दुनिया इकट्ठा हो गया। भैया तुम्हारा नाम क्या है? बोले मेरा नाम है, मेरा नाम शंकर शर्मा, मेरा नाम है महापंडित विद्वान शंकर शर्मा। बोले चेला का नाम? बोले महाविद्वान, इसका नाम काकभूषण जी चेला। बोले भैया आए कहाँ से, पता कहाँ? बोले काशी, हाँ काशी हमारा घर है, काशी गली, काशी विश्वनाथ गली हमारा घर है। बस ये परिचय दे दिया, इतने में सारा दुनिया में हल्ला हो गया। इतने में हल्ला सुन करके एक दशरथ महाराज की घर की जो कौशल्या की जो दासी, एकदम पक्की निकट के दासी थी, उसने सुनी वो एक बहुत बड़ा ज्योतिष आया, वो देखते ही सारे भविष्य बता देता है। वो तो दौड़ दौड़ करके आई, आ करके बोले भैया बाबा मेरे सौभाग्य को बताओ मेरे क्या हो। बोले तेरी तेरी सौभाग्य तो हम बता ही नहीं सकते, तू तो साक्षात कौशल्या की साक्षात अपनी सहचरी हो, उनकी दासी हो, तेरे तो बड़ी सौभाग्य जो कि राजमहल में रहती। बोले भैया बिना बोले सारे बात को बोल दिया, उसने तो दौड़ दौड़ करके आए और कौशल्या को बोल दिया भैया तो ज्योतिष आए हैं, वो तो देखते ही सारे बात बता देते, भविष्य को बता देते। अगर स्त्रियों को पता चली जाए कोई ज्योतिष फिर तो देखो चारों में घर घर बैठ जाते। हाँ बोले इतने बढ़िया ज्योतिष, बोले बुलाओ दोनों ज्योतिषी को। इतने में वहां पर शंकर जी को और काकभूषण जी को वहां पर माता कौशल्या ने बुलाए। जब बुलाए इतने में माता कौशल्या ने बोली बाबा मेरे बच्चा का थोड़ा भविष्य बता दोगे? बोले बता दूंगा, पहले तुम्हारा बच्चे को गोद में दो, हाथ और चरण देख कर तो हम बताएंगे। और काकभूषण बन गया चेला, चेला बन करके कहती ये चेले को साथ में क्यों रखते हो? बोले हम वृद्ध हो गए ना, ये जो पतली पतली रेखा हमको नजर में नहीं आता है, मेरा छोटा चेला वो सब बता देता है रेखा कहाँ पर, फिर मैं फलादे से बताता हूँ। इतने में अभी भगवान राम छोटा सा बालक है, एकदम छोटा सा नन्हा सा बालक है, श्याम सलोना सा अपूर्व भगवान का, अगर भगवान को कोई गोद मिले कितने सौभाग्य है, भगवान को गोद मिले। प्रभु अभी खड़े होना भी नहीं सीखे, जब उन्होंने शंकर जी गोद में आए, शंकर जी का दाढ़ी, अभी बच्चा हाँ दाढ़ी को पकड़ लिया, पकड़ करके छोटे छोटे चरण से हाँ छोटे छोटे अंगुल है, और बच्चों का हाथ देखना ऐसे रहता है, हाँ बच्चों का हाथ ऐसे नहीं होता है, बचपन में हाथ ऐसे रहता है। और इतने में काकभूषुंडी ने भगवान का हाथ को खोल करके काकभूषुंडी बता रहे कौन कौन रेखा। बोले बाबा मेरे लाला का कुछ सौभाग्य बता दो, क्या भविष्य है? बोले तेरे लाला की क्या सौभाग्य बताऊंगा, तेरे लाला तो जगत में एक छत्र राज्य तो को पूरा करने वाले, दुनिया में जगत में बड़ा जश मिलेगा तेरे बच्चे को, और तेरा जो बच्चा है ये लगता है ये बहुत दूर दूर तक यात्रा करेगा, क्योंकि लंका तक भी इनकी यात्रा है, पूरा 14 साल तक ये घूमते रहेंगे, इनकी यात्रा तो बहुत दूर तक। बोले माता और उन्हें एक बात बता दिए, बोले देखो जब एक बाबा आएगा ना, ये बाबा इसको साथ में लेकर के जाएगा। बोले बाबा इतना बुढ़ापा में हमारा लाला भैया बाबा जिसको जिसको साथ में मैं अपना बेटे को भेज दूं? बोले यार ध्यान से सुनो तो सही, देखो जब कोई बाबा आए ना, बाबा तो इनको लेकर के जाएगा, लेकिन जो अकेला नहीं आएगा, बड़ी प्यारी प्यारी गोरी गोरी बहुओं को साथ में वो आएगा। बोले माता ये बात बता, ये काम की बात है, क्योंकि हर माताएं सोचती हैं घर में कब बेटा का शादी हो, घर में बहू कब आए, हर माताओं के मन में ये भावना। अभी तो ये देश तो अलग हो गया, क्योंकि हमारे भारत की जो संस्कृति है यहाँ पर तो शादी हो गया अलग हो गए, पिता माता का संकेत। भारत में हर पिता माता ही चाहते हैं मेरा बेटा बड़ा कब हो जाए, घर में शादी कब हो, घर में बहू कब आए, क्योंकि जब तक बहू नहीं आती घर की सास की सारे काम करना पड़ता है, घर में बहू आ गई सारे काम को संभाल लेती हैं, फिर माता को विश्राम मिलता है। ये हमारी भारतीय संस्कृति है, इसलिए हर माता चाहती बेटा बड़ा हो, घर में बहू आए। जब ये बात सुने बड़े खुश हो गए, बोले देखो माता जी जब कोई बाबा आकर के आएगा ना लेने के लिए मना नहीं करना, उनको छोड़ देना, क्योंकि बहू को साथ में आएंगे। बोले ये तो काम की बात मैंने बताई हाँ, लेकिन और एक बात बताई। इतने में काकभूषण इशारा कर रहे, बोले खबरदार और आगे मत कहा कर, क्योंकि आगे 14 साल के वनवास है, अगर बोल देंगे तो रोने रोते रोते लग जाएंगे, इसलिए ये बात मत कहना हाँ। इतने में काकभूषण ने कहा गुरुजी
कि आप ही आनंद लोगे ना, मेरे को गोद में भी थोड़ा दोगे बच्चे को, क्योंकि शंकर जी की गोद में अभी काश भूसुंडी हाँ तरस रहे कब मेरे गोद में लाला आए। हाँ बोले भैया मेरे गोद में भी थोड़ा तो दो, नहीं तो सारे पोल खोल दूंगा कहाँ से आए हो। हाँ मेरे गोद में दो। इतने में शंकर जी कहा देखो मैं तो हाथ का रेखा को देख कर बोल दिया, ये जो मेरे चेला है ना उसका चरण में क्या है इसको पढ़ करके बताएगा। फिर उन्होंने काक भुसली को गोद में दिया। काक भुसली तो प्रभु को गोद में पाकर कितने प्रसन्न विभोर हो गए प्रेम में, और प्रभु का चरण को उठा उठा कर देखते हैं और अपना सिर पर लगाते हैं। हाँ और भाग्य है विश्व ब्रह्मांड जिसको गोद में, उसको हम गोद में लेकर के बैठेंगे, बड़े प्रसन्न हो गए। उन्होंने फलाद से बताए और शंकर जी का हमने पार्वती हमने ये दोनों चले ये हमने चोरी की है। अभी धीरे 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 कहते बच्चे का अभी हो गए 12 दिन हो गए। जब बच्चे 12 दिन का हो गए, नियम है क्षत्रिय का बच्चा जब 12 दिन का हो जाए ये नामकरण संस्कार करवाने चाहिए। हाँ इसलिए अभी उनका नामकरण संस्कार करवाएंगे। अभी वशिष्ठ जी वो देख रहे हैं कब हमको बुलाए। अभी नामकरण संस्कार होने पर अभी कौशल्या कही गई सुमित्रा तीनों तीनों बच्चों को दशरथ महाराज एक बच्चे को गोद में लेकर के उन्होंने गुरु जी को बुलाए। गुरु जी को बुला करके बोले गुरु जी हमारा बच्चों का नामकरण संस्कार कराओ। जब बोले नामकरण संस्कार कराओ इतने में वशिष्ठ जी बैठ करके भाव समाधि लग गए। भाव समाधि में बैठ गए बोले क्यों कारण क्या। बोले वशिष्ठ सत्ययुग है। बोले किसके बेटे है। बोले ब्रह्मा जी के बेटा है। ये ब्रह्मा जी के बेटे सत्ययुग में इनको पिताजी ब्रह्मा जी बोले बेटा तुम्हारे भाई लोगों ने जो काम किया पुरोहित का काम तुम भी ये सूर्य वंश में पुरोहित का काम करो। वशिष्ठ बोले नहीं ये पुरोहित का काम बहुत गड़बड़ी है, निंदा चर्चा गाली सब कुछ सुनना पड़ता है पुरोहित को। हाँ थोड़ी सी अगर बेटा बेटी को शादी कर दिया उल्टा पुल्टा हो गया सारी गाली इनको ऊपर में, और सभी का पाप को लेना पड़ता है पुरोहित को, सारे पाप को लेते हैं। इसलिए ये गलत काम हम करना नहीं चाहते। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा अगर ये पुरोहित का काम करते करते अगर तुमको भगवान का दर्शन मिल जाए भगवत प्राप्ति हो जाए इससे बड़ा कुछ हो सकता है। बेटा इसी वंश में पूर्ण ब्रह्म स्वयं राम जन्म लेने वाले, इनका सारे संस्कार तुम करवाओगे। 10 संस्कार है। पहले तो गर्भ संस्कार। हाँ गर्भ संस्कार में पहले बताया गर्भ संस्कार में नियम है पेट जब बच्चा आ जाए माता को टीवी वीवी सिनेमा फिनेमा गंदी गंदी पिक्चर नहीं देखनी चाहिए। हाँ क्योंकि जो देखोगे वही गर्भ में संस्कार आएगा। अब लोगों को पता है प्रहलाद महाराज माँ के पेट में रहते रहते वो कथा सुनते सुनते सारे चीज को सीख गए थे। अभिमन्यु केवल माँ के पेट में रहते समय अर्जुन ने चक्रव्यूह की बात बताया वो गर्भ से सीख गया। इसलिए शास्त्र ने बताया गर्भ में जो बच्चा हो जिस समय कौशल्या कही कि सुमित्रा को गर्भवास था उस समय दशरथ महाराज ने बताया उनके घर में ठाकुर का छवि लगा दो भगवान का छवि लगा दो क्योंकि जिस छवि को हम देखेंगे उसका चिंतन हमारा मन में होगा। हाँ इसलिए भगवान की सुंदर सुंदर तस्वीर ठाकुर जी का लीला भगवान की चीज को अगर दर्शन करोगे जो चीज आप सोचेंगे उसका एक संस्कार हृदय में पड़ रहा है उसी चीज। अगर टीवी में गंदी गंदी पिक्चर अगर हम देखें वही संस्कार हृदय में पड़ेगा। इसलिए गर्भ संस्कार एक बहुत बड़ा संस्कार है। हाँ इसलिए ये लव कुश जब गर्भ में थे एक दिन राम स्वयं बड़े बड़े साधुओं को बुलाया और सीता के लिए भी एक आसन रखा। भगवान राम सीता को बोले बोले सीते जानते हो आज इतने बड़े बड़े साधु संतों को हमने क्यों बुलाए। बोले क्यों। बोले अभी तो गर्भवती हो इसी अवस्था में संतों को मुखार बिंदे से अगर तुम भगवान की कथा सुनोगे कि बच्चे को परम अच्छा संस्कार पड़ेगा बच्चे बड़ी संस्कारी बनेंगे। इसलिए मैंने ये संतों को हमने बुलाया जो बेटे लव और कुश हुए क्या पराक्रमी हुए। हाँ क्या पराक्रमी लव कुश हुए। हाँ इसलिए गर्भ संस्कार अभी अभी नामकरण संस्कार है। ये नामकरण संस्कार में वशिष्ठ याद कर रहे हैं पिताजी ने ये बात बताए जो 10 संस्कार भगवान को होने वाले गर्भ संस्कार नामकरण संस्कार फिर अन्न प्राशन संस्कार उसके बाद में फिर कर्ण भेद चूड़ाकरण ये जो संस्कार मेरे को मिलेगा। अभी पूरा ध्यान
पूरा पिता जी का स्मरण कर रहे, आज वो सौभाग्य मेरे पास में आया है साक्षात भगवान। इतने में दशरथ महाराज ने देखा कि वशिष्ठ तो पूरा समाधि में लग गए, ये तो आग नहीं खोल रहे। देखा जब तक इनको गोद में प्रभु राम को नहीं दे देते हैं तब तक ये नामकरण नहीं करेंगे। फिर उन्होंने राम को उन्होंने वशिष्ठ जी को गोद में दे दिया और भगवान वशिष्ठ जी को भगवान को पा करके वशिष्ठ तक एकदम प्रेम विभोर हो गए और उनको सारे जन्म पत्रियों को देख करके उन्होंने उनका नामकरण कर रहे हैं। वशिष्ठ क्या बोल रहे हैं, नामकरण कर अब सरुजानी, नामकरण कर अब सरुजानी, इसका नाम होगा राम है। हाँ बोले राम क्यों होगा, बोले विश्व ब्रह्मांड को जो अपना चरण में कि आश्रय देने वाले हैं। राम मतलब रही जाने, मा मतलब मंगल, जो जीव को जो मंगल को देने वाले, जो मंगल भवना अमंगलहारी। हाँ इसलिए जोगी नाम अनंते, सब जोगी जिसको अपना हृदय में ध्यान करेंगे। इसलिए राम मतलब, राम मतलब राष्ट्र, मां मतलब मंगल, जो राष्ट्र के लिए जिसका मंगलदायी है, इसलिए इसका नाम होगा राम नाम होगा। अब इसका नाम राम रख करके अभी हाँ कहते राम मतलब भक्ति, मां मतलब मंगल है, राष्ट्र की जो मंगल है। यहाँ पर राम का बहुत बहुत सारे टीकाकारों ने बहुत बहुत नाम रखे, इसलिए उनका नाम राम होगा। अभी पहला बेटा का नाम राम हुआ। बताए जब नामकरण करे उसका कुछ नियम बताए, बोले क्या नियम है, बोले ऐसे नहीं जैसे जैसे मन में आए टिक्को पिंको टुल्लू बुल्लू और बच्चों का नाम रख ले, नहीं ये हमारे भारतीय संस्कृति शिक्षा नहीं देता। हमारे भारतीय संस्कृति शिक्षा देता है बच्चा जिस नक्षत्र जोग से जन्म लेता है, जिस नक्षत्र जिस समय जन्म लेता है वो नक्षत्र और जोग को देखते हैं, देख करके ज्योतिष लोग एक अक्षर निकालते हैं, एक अक्षर निकालते हैं, वो अक्षर को पहले रख करके फिर कोई भगवत संबंधी नहीं तो भक्त ऐसे कोई नाम हो। यहाँ पर बताए नियम है ऐसे नाम रखे जो तीन पीढ़ी में कोई शत्रु का नाम नहीं होनी चाहिए, तीन पीढ़ी में अगर कोई शत्रु उसका नाम नहीं होनी चाहिए, और ऐसे एक नाम हो तुम्हारे पिताजी और पिताजी का नाम उसमें रहे, उसमें तुम्हारे पिता, क्योंकि पुत्र कौन है, जो पुत्र है जो हमारे वंश का मर्यादा को जो रक्षा करता है, पुत्र क्यों जन्म देते हैं, हमारे जो संस्कृत कहता है जो हमारा कुल का मर्यादा को ये रक्षा करे, ये पुत्र है, हर पिता माता यही चाहते हैं। इसलिए देखो जैसे राम नाम में कैसे उनका तीन पीढ़ियों का नाम राम, कभी दशरथ उनको पिताजी का नाम दिया था दशरथ, दशरथ इसमें र शब्द है, इसलिए राम का पहला जो रा ये रा र शब्द है। हाँ फिर उसमें कहते जो माँ है कहते उसमें रा, कहते जो उनको पिताजी का नाम क्या था, बोले उनका पिताजी का नाम था अज। हाँ
इसलिए माँ में जो आ है कथन को पिताजी का, पिताजी का नाम वो था अज। इसलिए राम में जो माँ है कथन अज से माँ ये अक्षर लिया है। इसलिए यहाँ पर राम शब्द रखा, बोले कृष्ण, हाँ कृष्ण नाम भी देखो, क्री कद नंदा बाबा का पिताजी का नाम क्या था, बोले परजन्य, पर क्री में री री, इसलिए वो परजन्य र। और उनका पिताजी का नाम क्या था, हाँ उनका पिताजी का नाम था क्या नाम था, हाँ परजन्य मैं भूल गया, कृष्णा में मैं भूल गया नाम, उसमें उसमें दिखाया कैसे उनको पिताजी की और पिताजी का नाम परिजन पिताजी का नाम भूल गया, इसलिए कहते उसमें कृष्ण नाम में उनका तीन पूर्वजों का नाम है, हाँ पहले नियम यही है, इसलिए इनका नाम रख दिया जो राम है, सबको जो आराम देने वाले, सभी को हृदय में चिंतन करने वाले, जगत कल्याणदायी राम है। अभी भारत जी का नाम रखेंगे, गुरु जी अभी भारत जी को गोद में लिया और उन्होंने उनका नाम रखते हैं, बोले विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई, ता करना मां भरत आस होई, ता करना मां भरत आस होई। भरत है जो विश्व को अपना भक्ति को द्वारा जो भरण पोषण करेगा, क्योंकि राम के सबसे जो भक्त माना गया ये भरत है। इनका जो चरित्र हम आगे सुनेंगे कितने बड़े राम का भक्त है। इसलिए गुरुदेव जब भरत जी को गोद में लिया पुलकित हो गए, बोले ये ऐसे एक संतान, ये ऐसे एक राम भक्त है, मैं गुरु जी हूँ, नियम है गुरु जी को कभी अपशब्द प्रयोग नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये कभी मेरे को अपशब्द नहीं प्रयोग करेगा। बोले कब, जब राम वनवास में चले जाएंगे, अभी राजा कौन बनेगा, भरत ननिहाल में थे, जब ननिहाल से वापस आए वशिष्ठ बोले भरत अभी तुम राजगद्दी पर बैठ गया, भरत को तो क्रोध आ गया, बोले लगता है गुरुदेव आपका बुद्धि विकृत हो गया है, कहां मेरे वजह से प्रभु राम को वनवास चले गए, जिस सिंहासन में मेरे प्रभु बैठने वाले थे और उस सिंहासन में जो मेरे प्रभु का, मेरे वजह से प्रभु जो फूल से भी कोमल, जो प्रभु और माता सीता मेरे वजह से इतना दुख कष्ट उठा रहे हैं, जो मेरे प्रभु का सिंहासन में मेरे को बता रहे हो बैठने के लिए, लगता है आपको बुद्धि कहीं विकृत हो गई आपका बुद्धि। लेकिन ये शब्द सुनकर जो वशिष्ठ क्रोध नहीं प्रसन्न हुए, देखो इसका राम का प्रति कितने भक्ति है। बोले गुरुदेव बैठने का बात छोड़ो, इसको तो स्पर्श करने पर मेरे स्पर्श से ये सिंहासन अपवित्र हो जाएगा, मेरे बैठने का बात बता रहे हो। इसलिए ये चीज को स्मरण करके प्रेम में विभोर हो गए, ये कैसे भगवान के राम का भक्त बनेगा। बोले लक्ष्मण है, बोले उसका नाम लक्ष्मण क्यों, बोले लक्ष्मणम लक्ष्मी वर्धनम, वो लक्ष्मी को जो बढ़ाने वाले, बोले कौन सा लक्ष्मी, बोले भक्ति रूपी लक्ष्मी, क्योंकि लक्ष्मण ये आचार्य है, ये गुरु तत्व है, लक्ष्मण के बगैर जीव को कभी भगवत भक्ति नहीं मिल सकता। ये बलदेव अभिन्न श्री नित्यानंद अभिन्न श्री ये लक्ष्मण लाल है, जो भगवत भक्ति को जो बढ़ाने वाले श्री ये लक्ष्मण है। और ये चतुर्थ संतान का नाम शत्रुघ्न, शत्रुघ्न मतलब है जो शत्रु को ऊपर में जो विजय प्राप्त करे। कहते हमारे सबसे बड़े शत्रु कौन है, बोले काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये सबसे बड़े शत्रु है। कहते ये शत्रु को ऊपर जो विजय प्राप्त करेगा, अब विशेष करके लक्ष्मण लवणासुर को वध करेगा, हाँ मथुरा के ऊपर में जो लवणासुर अत्याचार कर रहा था, और उसको पास में शंकर जी का एक त्रिशूल था, शंकर जी का वरदान था, जब तक तेरे पास में ये त्रिशूल रहेगा तेरे को कोई बिगाड़ नहीं सकता है। और सारे ऋषि मुनि जाकर के भगवान राम को बोले, बोले उसको अजय है जो आज सबको मार डाला, प्रभु कुछ व्यवस्था करो। कहते ये असुर इतने उत्पादित था, लवणासुर था, इसलिए अभी भी मथुरा में जाओ सब जगह पाए नमकीन नमकीन, बोले उसका उसका प्रताप जिस पाए नमकीन हो गया सब जगह, इसलिए इतने बदमाश था। प्रभु राम को बोलने पर भगवान फिर शत्रुघ्न को भेजे,
बोले देख बेटा उसके पास में ये अस्त्र रहेगा तो तुम जय नहीं कर सकते हो। जब वो जाता है जंगल में मिल गया खेलने के लिए, हाँ उस समय खाली हाथ में जाता है, तू दरवाजा में खड़ा हो जाना, वो कोशिश करेगा अंदर में जाने के लिए, घुसने मत दिया करना, तब भी उसको तुम मार नहीं सकते हो। लो ये अस्त्र को लो, ये बाण को लो, अंतिम बाण प्रयोग करना। फिर भरत जी बोले प्रभु, भरत को बोले वो राज्य तो उजड़ गया, वो राज्य को बैठा करके राजा बनना, बोले आपको मैं छोड़ नहीं सकता, आपका विरह को सहन नहीं कर सकता। फिर भगवान ने वराह मूर्ति दिया, बोले देखो ये वराह मूर्ति मेरा ही मूर्ति है, ये वराह मूर्ति ले जाओ। अभी लक्ष्मण ने वराह को मथुरा में स्थापन किया। हमारे परिक्रमा में हम दर्शन करने के लिए जाते हैं, जो लोग परिक्रमा में गए देखे होंगे वहां पर श्री आदि वराह है, इसलिए उनका नाम शत्रुघ्न है, जो शत्रु गोबर में विजय प्राप्त करेगा। बोले श्री सियावर रामचंद्र की जय, जय श्री राधे। कल भगवान राम सीता की हम कल शादी, कल यहाँ शादी होएगा, कल शादी पार्टी हम बनाएंगे। लेकिन देखो हमारे देखो इधर, हाँ जो चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु ने बताए, ये वृंदावन दास ठाकुर बताए, संसार का साधी को देखो जीव बंधन का कारण बनता है। हम तो ब्रह्मचारी सन्यासी है, फिर ये सब साधी भाधी क्या कर रहे हैं। ये वृंदावन दास ठाकुर जब चैतन्य महाप्रभु का लक्ष्मी विष्णु प्रिया का जब साधी को वर्णन किया है, मतलब ये साधी को अगर कोई सुनेगा तो उसका संसार का साधी खत्म हो जाएगा, संसार का बंधन खत्म हो जाएगा। इसलिए कल हम भगवान के साथी बनाएंगे, राम लक्ष्मण, कल सीता राम की शादी होएगा, इसलिए कल हम ये शादी भगवान की शादी बनाएंगे। जिस शादी को दर्शन करने पर जिस पार्टी में मिले तो हमारे संसार बंधन का समाप्त हो जाएगा, इसलिए कल राम सीता की हम शादी करेंगे। तुम्हारी जो कमला है ना, कमला को तुम सुंदर करके सजा करके लाना, और तुम्हारे छोटे बच्चे को लक्ष्मण उसका हाथ धनुष से जुड़ा देना, और उस पर राम को, तुम्हारे बेटे को राम बना करके ले आना, ठीक है, राम बना के ले आना, उसको सुंदर कपड़ा वपड़ा पहना करके, देखना धनुष किसको पास में होगा, राम लक्ष्मण सीता तीनों को कल सजा करके ले आना, कल हम यहाँ पर भगवान की राम सीता की शादी हुई। बोले श्री सियावर रामचंद्र की जय, बोले श्री पवन सुत हनुमान की जय, जय श्री राम। हरे कृष्ण, आरती करो प्रभु।